नमस्कार, सिक्योरिटी कंट्रोल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज किस खास वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया पोस्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया पोस्ट की वैकेंसी निकल चुकी है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यानी काफ़ी वैकेंसी, मोर देन 44,000 वैकेंसीज ओवर देयर। ओके, आप समझ सकते हैं कि 44,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकाल चुकी है। देखते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी कौन कौन से जिले में कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, एज रिलैक्सेशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, यानी कि सारी चीज़ें इसमें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो ये बिना डिले करते हुए सीधा मूव करते हैं आपके पीसी की स्क्रीन पर और वहाँ पर क्लियरली देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी, कितनी वैकेंसी किस साल में निकाली गई है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये हम यहाँ पे सरकार रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगिन 15/7/2024, यानी कि आज के दिन से एप्लीकेशन चालू हो गया है। अगर आप चाहें तो अपना आवेदन करवा सकते हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 5/8/2024, यानी कि आप अगस्त में 5 तारीख तक अपना ऑनलाइन करवा सकते हैं। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो वो आपको एग्जाम फीस लास्ट डेट की बात करें तो 5/8/2024 ये भी दिया गया है। ओके, करेक्शन डेट की बात करें 6/8, यानी कि 2 दिन आपको करेक्शन डेट दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट बाद में आपको दिया जाएगा। फीस की बात करें तो ओबीसी जनरल के लिए 100 रुपीज़, बाकी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई पैसा नहीं है और मना है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 44,000, ये यहाँ पे जहाँ इसको हमारा जा रहा है एरो, ये 44,228 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। और जो एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्लास 10th हाई स्कूल विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के रूप में कंपलसरी है और नो लोकल लैंग्वेज, यानी कि जिस क्षेत्र में आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, पोस्टिंग होगी, आप वहाँ की भाषा को जानते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में 4,588 पोस्ट हैं, उत्तराखंड में 1,238 पोस्ट हैं, बिहार में 2,558 पोस्ट हैं, छत्तीसगढ़ में इसी तरह 1,338 पोस्ट हैं, दिल्ली में इसे 22 पोस्ट हैं, राजस्थान में 2,718 पोस्ट हैं। ये सारे आप पोस्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। ओके, अब जल्दी चलते सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप उसकी जो नोटिफिकेशन है उस पर आ चुके हैं। यहाँ पे दिया गया है कि नंबर दिया गया है 1703 GDS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे दिया गया है। ओके, डाक भवन संसद रोड मार्ग दिया गया है, संसद मार्ग दिया गया है, न्यू दिल्ली 110001, ये आपका पिन कोड है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक GDS जिसे कहते हैं आप, ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल July 2024, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक डेट इज GDS एंड ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि BPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM डाक सेवक इन डिफरेंट ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। द डिटेल ऑफ द वैकेंट पोस्ट इज गिवन इन एनेक्चर फर्स्ट एंड द एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन द फॉलोइंग लिंक्स, यानी कि इनका कहने का मतलब है जो पोस्ट है GDS, यानी कि इंडिया पोस्ट में जो पोस्ट है इसमें यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड जिसे आप BPM जिसे आप क्या कहते हैं BPM कहते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे आप ABPM कहते हैं और डाक सेवक कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप निकल चुकी हैं। इस पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। आप एक और ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें हम बात कर रहे थे सरकार रिजल्ट, आप उसमें भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल दिया गया है, एडिट करेक्शन की बात कर रहे हैं कि द कैंडिडेट वुड नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, दिस वुड नीड टू मोबाइल नंबर एंड एक्टिव जीमेल आईडी, यानी कि एक मोबाइल नंबर चाहिए इसको ऑनलाइन करने के लिए और एक्टिव जीमेल आईडी, यानी कि जो जीमेल आईडी आपके पास हो जो चल रही हो, क्योंकि उस पर आपका पासवर्ड और वो देते हैं लोग, एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। ओके, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे खुद से। अब बात करते हैं एक्टिविटी की, तो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन जो दिया गया है 15/7/2024 से 5/8/2024 तक है। ओके, करेक्शन डेट 2 दिन खुलेगा, 6/8 से 8/8 तक दिया गया है। ओके, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 19 चलते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करते हैं, तो जो जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड दिया गया है, डे टू डू पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस यहाँ पे एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कहने का मतलब है जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है इसमें डे टू डू पोस्टल ऑपरेशन, इनके ब्रांच ऑफिस में आपको रोज जाना होगा, वहाँ के जो भी पोस्टल ऑपरेशंस होंगे यानी कि जो भी चीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी उसे यहाँ पे लाके सबमिट करना होगा आपने यहाँ पे। ओके, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं और टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट पर प्रेस्क्राइब किया जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे यहाँ पे दिया गया मार्केटिंग एंड
promotion for product and service being provided by the department and operating various service of the customer service entities of the department. यानी कि जो भी product आपको वहाँ से मिलेगा, जो promotion marketing करने के लिए आएगा, अब being provided by the department, वो सारी चीज़ें आपको department द्वारा provide कर दी जाएंगी and operating various service in the customer service centers. और आपको CSC की तरह आपको वहाँ service देना होगा. In the single handed view given here and overall responsibilities given here. सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं. इसको आप नीचे करके आप पढ़ सकते हैं. ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा टाइम जाएगा, टाइम स्पेस करते होगा. अब हम बात कर रहे हैं सैलरी स्लेब के बारे में. जैसे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज TRA स्लेब ओके सॉरी BPM की बात करें तो 12,000 से लेकर 29,380 तक, और ABPM या डाक चौक की बात करें तो 10,000 से लेकर 24,470 तक उनकी सैलरी रहने वाली है. ओके अब बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में. एज लिमिट मैक्सिमम एज सॉरी मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, यानी कि 18 साल आपका मिनिमम कम से कम उम्र होनी चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी 40 साल होनी चाहिए. थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ दिया गया है कि एज विल बी डिटरमाइंड एज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. जो आपका एज काउंट होगा और जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उस दिन से आपको काउंट होगा. रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है. थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज दिया गया है. शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 5 साल की छूट दी गई है. अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC को 3 साल की छूट दी गई है. इकोनॉमिक वीकल सेक्शन को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है. पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो विकलांग है उनको 10 साल की छूट है. पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस OBC, जो OBC है प्लस डिसेबिलिटी है वो 13 साल की, और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो विकलांग है और वो ST कैटेगरी से छूट है यानी कि 35 साल तक सॉरी 15 साल की, यानी कि टोटल उनका एज 55 साल तक यहाँ पे पूरा एज रिलैक्सेशन वो ले सकते हैं. क्लियर. अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज फॉर मैनेजमेंट एंड GDS सेकेंडरी स्कूल. ओके पास एज पर 10th स्टैंडर्ड. यहाँ पे पहले की बात कर चुके हैं हम, उसके बाद नीचे आते हैं और कुछ इसमें कुछ नॉलेज की बात करें. अदर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यानी साइकिल चलने का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल तो हर कोई चला रहा है. और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लेवलीहुड्स सारी चीज़ें होनी चाहिए. रिजर्वेशन यहाँ पे जैसा कि हम बात कर चुके हैं. सर्टिफिकेट जो नेचर दिया गया वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. इस तरह से आप यहाँ पे पूरा क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं. आई होप आपको समझ में आएगा. यहाँ पे हाइव टू अप्लाई बोल रहा है कि एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड क्लियर द सिंगन की जो भी एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन मोड में किया जाएगा, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं. ग्रेट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं. ओके तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद गाइस.